एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पेट्री प्लेट्स के बारे में। ये जो सबसे पहले आप पेट्री प्लेट देख रहे हैं, ये किसकी बनी हुई है? बोरोसिल के ग्लास की बनी हुई है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है इसके ऊपर, और इसमें लगभग 15 to 25 ml मीडिया आ सकता है। ये जो पेट्री प्लेट है, ये डिस्पोजेबल पेट्री प्लेट है। इसको हम स्टेरिलाइज करना होगा तो हम रेडिएशन का यूज़ करेंगे। नॉर्मली ये वन टाइम सैंपल कलेक्शन करने के लिए होती है, और ये वाली जो होती है इसमें बार बार हम सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको स्टेरिलाइज कर सकते हैं हॉट एयर में या फिर ऑटोक्लेव में। ये जो पेट्री प्लेट है, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले की थी जूलियस रिचर्ड पेट्री ने। नॉर्मली ये यूज़ होती है माइक्रोबायोलॉजी लैब में, बायोटेक्नोलॉजी लैब में या फिर केमिस्ट्री लैब में। प्लास्टिक की भी ये बनी होती है बस, लेकिन जो बायोलॉजिकल या फिर कल्टीवेशन लैब्स होती हैं उनमें नॉर्मली ग्लास या फिर बोरोसिल की बनी हुई पेट्री प्लेट्स का यूज़ होता है, क्योंकि उनको हम इजीली हाई टेम्परेचर पे भी हीट करके स्टेरिलाइज कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।